कहाँ रख दिया? अगर नहीं मिल रहा तो रहने दो राजेश भाई, मेरे पास समय नहीं है, मैं कहीं और से ले लेता हूँ। अरे नहीं नहीं एक मिनट, ये रहा आपका साबुन। क्या राजेश भाई, बहुत ही धीमी सर्विस है आपकी। अब क्या करूँ, अकेले अकेले काम करना पड़ता है, थक जाता हूँ। अभी आपको क्या चाहिए? 5 किलो आटा मिल जाएगा तुरंत, 110 रुपए निकालो। अरे बाप रे, 8 बजने वाले, आज तो ऑफिस के लिए लेट हो गए। अरे राजेश जल्दी कर। राजेश भैया, राजेश भैया जरा हल्दी देना। अरे बहन 7 बजे के बाद आना, अभी दुकान बंद हो रही है, मुझे माफ करो। मधु मैं ऑफिस जा रहा हूं। भाभी जी, भाभी जी घर में है क्या? जरा देख तो बेटा कौन है। जी जी वो भाभी जी है क्या? हाँ। नमस्कार भाभी जी। नमस्ते भाभी जी, एक पैकेट नमक चाहिए था, क्या आप दुकान से दे देंगी? माफ कीजिएगा, अभी तो दुकान बंद हो चुकी है, आप शाम को ले लेना। अगर हो सकता हो तो दुकान खोल कर दे दीजिए, जरा ऐसा टाइम ही तो लगेगा। दरअसल चाबी इनके पास होती है और ये शाम में ही आएंगे, आप शाम को ले जाइएगा। ठीक है कोई बात नहीं। तुम्हें क्या लगता है वो शाम तक हमारा इंतजार करेगा? उफ मां, फिर से लाइट चली गई। मां यहाँ कितनी लाइट जाती है, अगले महीने से सुशील की परीक्षाएं हैं, वो पढ़ाई कैसे करेगा? बेटा इस बात की चिंता तो मुझे भी है, पर क्या करें? हम एक इन्वर्टर क्यों नहीं खरीद लेते? इसके लिए 10-15 हजार का खर्चा एक्स्ट्रा आएगा, और तुझे पता ही है कि हमारी दुकान ठीक से नहीं चल रही। हमारी दुकान तो कभी भी ठीक से नहीं चलती है, इस तरह हम और आगे कैसे बढ़ेंगे? माँ ऐसा नहीं कहते रेखा। तो कैसा कहते हैं, मोहल्ले के और लोगों को देखो, सबने कितनी तरक्की कर ली है, एक हम हैं, एक दुकान तक ढंग से नहीं चला पा रहे। तो फिर से शुरू हो गई? इसमें शुरू होने वाली बात कौन सी है माँ, तुम्हें नहीं लगता कि हमें पापा का हाथ बटाना चाहिए? लगता है, मगर क्या कर सकते हैं, तेरे पापा को बिल्कुल भी पसंद नहीं, वरना शादी से पहले मैं तेरे मामा के कपड़ों के बिजनेसमैन का हाथ बटाती थी ना। जब बिजनेस करना जानती हो तो पापा का हाथ क्यों नहीं बटाती? बताए ना बेटा कि उन्हें पसंद ही नहीं है, वो कहते हैं कि औरतों को अपना दिमाग घर गृहस्थी में लगाना चाहिए। क्यों? अब क्यों तो मैं भी नहीं जानती। आने दो आज उन्हें, मैं बात करती हूँ। ठीक है, लो लाइट आ गई। मधु खाना लगा दो। पापा कल से दुकान पर आपके साथ साथ मैं और माँ भी जाया करेंगी। चली जाना भाई, दुकान भी तो तुम्हारी है, मैं तो सेवक हूँ तुम दोनों का। पक्का? पक्का एकदम, वो सीमेंट वाला पक्का। पापा मैं सचमुच पूछ रही हूँ, कल से दिन में दुकान बंद नहीं होगी? क्या बात कर रही है बिटिया। सही बात कर रही हूँ पापा। बिटिया ये दिन में दुकान कैसे चलेगी? अच्छा एक बात बता, ये तूने कहीं मेरी नौकरी छुड़ाने का कोई प्लान तो नहीं कर लिया? नहीं पापा,
आपकी नौकरी छुड़ानी नहीं है बल्कि अपनी नौकरी शुरू करानी है। मतलब? मतलब ये कि जब आप कल से ऑफिस जाया करेंगे तब से दिन में दुकान बंद नहीं होगी बल्कि मैं और माँ मिलकर चलाया करेंगे। मधु खाना लगा दे। पापा आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। अच्छा लगेगा? क्या मुझे अच्छा लगेगा कि तुम दोनों काम पर जाओ? अच्छा एक बात बता, ये तू कॉलेज छोड़कर तू क्या दुकानदारी करना चाहती है? पापा मेरे कॉलेज की छुट्टियां चल रही हैं और अपना काम करने में अच्छा या बुरा लगने की क्या बात है पापा? बुरा लगने की बात? बुरा लगने की बात है, बिल्कुल है। अगर रेखा मैं गैस पे दूध रख के आई हूँ, जाके देखो तो। मैंने बोला ना आप खाना खा लीजिए। वैसे रेखा गलत तो नहीं कह रही कुछ? नहीं अगर आप एक बार हमारी बात सुन ले तो। कहो। देखिए आप अकेले ही दुकान और ऑफिस दोनों चलाते हैं। मालूम है, आगे भी चलाता रहूंगा। पता है कि आप चला रहे हैं और आगे भी चला लेंगे, मगर असल बात यह है कि आप जितनी जी तोड़ मेहनत करते हैं उस हिसाब से दुकान नहीं चल रही। बाकी की किराने की दुकान देखो, सारा सारा दिन खुली रहती है और एक हमारी दुकान है कि सुबह शाम मिलकर सिर्फ 2 घंटे खुलती है। अब क्या करूं मधु, सारा दिन तो मैं ऑफिस में रहता हूं, अब 24 घंटे में मैं और घंटे कहां से लाऊं? वही तो हम भी कह रहे हैं कि आप दुकान पर ज्यादा समय नहीं बैठ सकते, मगर मैं तो बैठ सकती हूँ ना, रेखा तो बैठ सकती है ना मेरे साथ। देखिए ना मैं और कॉलेज की छुट्टी के बाद रेखा दोनों घर के थोड़े बहुत काम करके पूरा दिन खाली बैठे रहते हैं। देखो मधु, आज तक हमारे घर में ऐसा किसी ने भी नहीं किया। पापा हर चीज की शुरुआत कहीं ना कहीं से तो होती ही है ना। दुनिया कहां से कहां चली गई है पापा, और हम एक दुकान चलाने की ही माथा पच्ची में अटके हुए हैं। आजकल महिलाएं कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज चला रही हैं और हम अपनी ही दुकान नहीं चला सकते। आपको हम पर भरोसा नहीं है? ऐसी बात नहीं है बिटिया। ऐसी बात नहीं है तो फिर हमें एक मौका देकर देखिए और फिर देखिए हमारी दुकान कैसे चल निकलती है। रेखा ठीक कह रही है जी, और मुझे भी ऐसे ही लगता है। अगर हम पूरा परिवार मिलकर काम करेगा ना तो इस घर की तरक्की को और हम आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और आपको 24 घंटों में कुछ और घंटे जोड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, मुझे सोचने का मौका दो।